यदि अंग्रेजी वर्ण माला के द्वितीय अर्धांश को परिवर्तित करके लिखा जाए तो बाएं से पंद्रहवा अक्षर क्या होगा, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो बताइए कि बाएं से पंद्रहवा अक्षर कंसेप्ट के अनुसार फर्स्ट कंडीशन में लाई कर रहा है या सेकंड कंडीशन में लाई कर रहा है? सेकंड कंडीशन में। और सेकंड कंडीशन में आपको रूल बताया गया है कि जब मान बाएं से 14 या 14 से अधिक किंतु 26 या 26 से कम हो तो उस मान को 40 से घटा देते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस मान को 40 से घटाएंगे। बताओ 40 में से जब 15 घटाएंगे तो आपको बचेगा कितना? तो बोलेंगे सर 25। और एल 25 की आर 25, L25 में है तो क्या रहेगा? L25। और L25 पर आता क्या, ये यूजुअल ऑर्डर में चेंज हो गया, ये यूजुअल ऑर्डर में चेंज करने के लिए ही 40 से घटाया है। और L25 पर आता क्या है? तो बोलेंगे सर L25 पर Y आता है, यानी बायां से 15वां अक्षर क्या होने वाला है? Y। अब काउंट करके देखो, सेकंड हाफ रिवर्स में बायां से 15वां अक्षर Y आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, 15वां अक्षर क्या मिला? Y मिला। अगर पूछा जाए कि द्वितीय अर्धांश को परिवर्तित करके लिखा जाए तो बाएं से आठवां अक्षर क्या होगा, तो बताओ ये फर्स्ट कंडीशन में लाइक कर रहा है या सेकंड कंडीशन? फर्स्ट। और फर्स्ट कंडीशन में आपको ये बताया गया है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब मान फर्स्ट कंडीशन बोलता है कि जब मान बाएं से 13 या 13 से कम हो तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उस स्थिति में आप बोलेंगे L8 का यूजर ऑर्डर में चलेंगे तो L8 ही रह जाएगा, और L8 पे कौन सा अक्षर आता है? H आता है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये आप देख पा रहे होंगे ये L8 पर L8 ही रह जाएगा, यूजर ऑर्डर और सेकंड हाफ रिवर्स सेम है। अच्छा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को परिवर्तित करके लिखा जाए तो दायां से छठा अक्षर पूछ रहा है। अच्छा, दायां से छठा अक्षर यदि आप गिने तो यहाँ से गिन पाएंगे, ऐसे चरण में दायां से छठा अक्षर क्या, 1 2 3 4 5 6 ऐसे है, लेकिन ऐसे तो हम लोग एग्जाम में करेंगे नहीं, तो इसको सॉल्व करिए। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि दायां को किसमें चेंज करना पड़ेगा, बाएं में। अच्छा, ऐसे चरण में दायां को बाएं में चेंज करने के लिए जब मान 26 से 26 से कम हो उस स्थिति में क्या करते हैं, 27 से घटाते हैं। तो 27 में से 6 घटाइए, कितना आएगा? L21 आएगा, क्योंकि आपने दायां को बायां में बदलने के लिए ही 27 से घटाया है। तो R का मान कन्वर्ट हो गया अब L में, और क्या हो जाएगा ये L21 यानी L21। अब L21 जो अभी आप किसमें, SHR में आ गए कि UO में आ गए? SHR में तो है। yes. और SHR में L21 किस कंडीशन में लाई कर रहा है, फर्स्ट कंडीशन या सेकंड कंडीशन? सेकंड कंडीशन, क्योंकि सेकंड कंडीशन ही तो बोलता है कि जब मान बायां से 14 या 14 से अधिक किंतु 26 या 26 से कम हो तो उसी स्थिति में तो आ रहा। yes. अब इसको यूजर ऑटो में चेंज करने के लिए किससे घटाएंगे, 40 से, जो रूल कहता है सब 40 से घटाइए। तो 40 में से कितना घटा दिए, 21। और जैसे ही 40 में से 21 घटाएंगे आएगा कितना, L19, क्योंकि L है तो L19। और L19 पर अब आपको पता है कि क्या होता है, S। अभी आपने निकाला था, क्या आया था, S। क्लियर है?